प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश एवेंजेलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के संबंध में विचार करना चाहता हूं। हम लोग उद्धार संबंधित विषयों को पिछले कई दिनों से स्टडी कर रहा है। यीशु मसीह का मृत्यु का अनिवार्यता, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए अपना जान दे दिया, यह सब कई बार हम लोग विचार किया है। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सिद्धांत हम थोड़ा विचार करने जा रहे हैं। पुनरुत्थान का सिद्धांत नया नियम का या बाइबल में दो भाग है, मैंने पहले ही बताया, पुराना नियम और नया नियम। और नया नियम का एक मुख्य शिक्षा है पुनरुत्थान का सिद्धांत। पुनरुत्थान को नया नियम में 104 बार व्यस्त किया गया है, मतलब 104 बार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को नया नियम में इस्तेमाल किया गया है। आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है, दुनिया में कई महान लोग जन्म लिया, कई धर्म का स्थापक लोग जन्म लिया, जैसे बुद्ध है, जो सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, बुद्ध धर्म का स्थापक है, वो मर चुका है। जो मुहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म का स्थापना किया, वो भी मर गया है। और जितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आया, सबका कब्रस्तान बंद है। लेकिन एकमात्र ऐसा कब्रस्तान है जो खुला है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। एकमात्र व्यक्ति इस दुनिया में मरे हुओं से जी उठा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। केवल प्रभु यीशु मसीह का कब्र जो खाली पड़ा हुआ है, वहां लिखा है यीशु मसीह यहां नहीं है, वो जी उठा है। क्रूस पर यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, पूरा हुआ। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, सारा मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर, जो पुराना नियम में उसका मृत्यु के संबंध में जो कुछ बताया था वो पूरा करते हुए यीशु मसीह ने जो क्रूस पर पुकार करके कहा, पूरा हुआ। और पिता परमेश्वर ने उसका जो मृत्यु को स्वीकार किया, सारा मानव जाति को प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया। यदि यीशु कब्र में से नहीं जी उठा है तो हमारा हालत क्या होगा? बाइबल बताते हम सब पाप में पड़े हुए हैं और अनंत काल का नरक का सजा भोगना था। ये पगला कुरिंदियो 15वां अध्याय में बताया गया है। पगला कुरिंदियो 15वां अध्याय पुनरुत्थान का अध्याय कहा जाता है। वहां बताता है यदि प्रभु यीशु मसीह जी उठा नहीं है तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हम पाप में अभी भी रह रहा है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आज मैं पाप में नहीं रह रहा हूं।
यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला पाप में नहीं रह रहा, क्योंकि मरे हुओं से प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में था, उन्होंने खुद बताया, मैं मर जाएंगे लेकिन तीसरे दिन में मुर्दों में से फिर जी उठेंगे। मत्ती रजिस्टर समाचार 16 अध्याय का 21वां पद। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो अपना जीवन में स्थापित करके दिखाया। यदि पुनरुत्थान सत्य है तो यीशु मसीह निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के अलावा किसी को कर नहीं सकता। और एक सच्चाई में आपको बोल करके मेरा संदेश समाप्त करना चाहता हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, आज स्वर्ग में विराजमान है, तो बाइबल कहता है जो यीशु मसीह में सोने वाला, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके इस संसार छोड़कर चले गया लोग, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके आज भी जिंदा है, वो यीशु मसीह के साथ जैसे यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे। हर एक मसीह विश्वासी का जो आशा है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वो बादलों पर आएंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करके सोया हुआ लोग जी उठेंगे और हम जीवित लोग बदल जाएंगे, एक साथ प्रभु के साथ जाएंगे। प्यारे भाइयों, ये विश्वास आपके पास में है। यीशु मसीह का कब्रस्तान दुनिया में केवल एक ही कब्रस्तान खुला पड़ा हुआ है, वो यीशु मसीह का। वो परमेश्वर का पुत्र है, जिस काम के लिए उन्होंने इस धरती पर आया मनुष्य का रूप धारण करके वो कार्य पूरा करते हुए यीशु मसीह जो जी उठा आज स्वर्ग में विराजमान है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा। यदि आप थके हुए हैं, परिश्रम करके आपको आत्मा का मुक्ति के लिए परिश्रम करके थके हुए हैं, यीशु मसीह आपको बुला रहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 33 साल से पहले वो विश्राम मेरा जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा परिवार का जीवन बदल गया। आज वही आशा में हम लोग रह रहे हैं कि प्रभु का आगमन जल्दी हो और हम प्रभु के साथ जाएंगे। यदि आप लोग आपका आत्मा का शांति के लिए चाहने वाला है, तो पाप क्षमा पाना चाहता है, तो स्वर्ग राज्य में जाना चाहता है, तो केवल एक ही बात करना, इस यीशु मसीह पर विश्वास करना, उनको आपका प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करे, आपका जीवन बदल जाएगा। एक नई आशा आपका जीवन में आएंगे कि आज मैं मर जाएंगे तो प्रभु के साथ होगा। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।